आज से कुछ टाइम पहले एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार वीडियोस को अपलोड किया था जो कि क्रैश रिलेटेड थी। चार में से फोर्थ वीडियो में 40,000 से ज़्यादा व्यूज आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स थे, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है जो भी आपने बताया है। तो ये सुन करके मुझे थोड़ा सा वेट फील हुआ, देन मैंने डिसाइड किया कि कुछ लोगों के कमेंट पिक करते हैं जिन लोगों का गेम स्टिल क्रैश कर रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कमेंट्स, और उनके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि हमारा गेम क्रैश कर रहा है। मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया कि आप उन वीडियोज़ को जाकर के देखिए जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। और यहाँ पर मैंने कुछ और एक कंक्लूजन पर आया जो कि आप देख सकते हो गेम प्ले में। यहाँ पर इस गेम में गेम खेलते खेलते मेरा एक क्लो स्क्रिप्ट पर क्लिक करते ही गेम स्टक हो गया और उस गेमर को गेम को मुझे जो है अपने स्क्रीन से हटाना पड़ा। सो इसका क्या रीज़न है? इसका सिंपल से ये रीज़न है कि आपको उस वाली ग्लो स्क्रिप्ट फाइल को डिलीट कर देना है जो कि आपका गेम क्रैश कर रही है। जैसा कि आप पर्टिकुलर गेम प्ले में देख पा रहे हो कि एक ग्लो स्क्रिप्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया तब जाके मेरा गेम जो है स्टक हुआ है। उसके अलावा मेरा गेम उससे पहले अच्छे से चल रहा था एंड इसलिए मुझे पूरा गेम को हटाना पड़ा और मुझे जेडा चेयर के अंदर आकर के वो पर्टिकुलर ग्लो स्क्रिप्ट फाइल को डिलीट करना पड़ा जो कि मुझे प्रॉब्लम दे रही थी वाइल प्लेइंग गेम। और इससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर क्लो स्क्रिप्ट फाइल है उसको डिलीट करने के बाद में आपका जो गेम है वो बिल्कुल मक्खन चलने वाला है, बिल्कुल क्रैश नहीं करने वाला है। ये एक रीज़न है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लो स्क्रिप्ट फाइल को अपनी फाइल के अंदर रखोगे तो आपका जो गेम है वो बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा और हो सकता है कि एट दी एंड जब आप बहुत सारे क्लो स्क्रिप्ट फाइल्स को लोड करो तो आपका गेम क्रैश कर जाए, आपका गेम स्टक हो जाए एक स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कुछ और सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अभी वीडियो छोड़ना मत, उससे पहले एक प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ जो कि है लोड स्क्रीन पे उनका गेम क्रैश कर जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप अपने गेम को लोड कर रहे होते हो और लोड करते ही जब आपका लोडिंग प्रोसेस फिनिश होता है आपका गेम उसी वक्त क्रैश कर जाता है और आप होम स्क्रीन पर आ जाते हो। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो है आपकी फाइल मिसिंग। आपके गेम के अंदर कोई इम्पोर्टेंट जो फाइल है वो कम्प्लीटली मिसिंग है। मे भी हो सकता है कि आपकी GTA IMG जो फाइल है वो मिस हो, आपकी जो TXT फाइल है वो मिस हो, या फिर आपका जो मेन्यू वाली फाइल है जो कि एसेंशियल होती है मेन्यू को शो करने के लिए आपका GTA का आपके जो गेम का मेन्यू होता है, और वही अगर आपके फ़ोन के डाटा फोल्डर के अंदर नहीं होती है आपका गेम लोडिंग के बाद क्रैश कर जाता है। और ये एक ही वजह नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है कि जब आप अपने गेम को लोड करते हो तो आपका गेम क्रैश कर जाता है क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर फाइल होती है उसमें कुछ मिस्टेक होती है। मे भी हो सकता है आपने जहाँ से मॉडपैक डाउनलोड किया है वहाँ से वो जो फाइल है करप्टेड हो, आपने डाउनलोड अच्छे से ना करा हो, या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ क्रिएटर से जब आप मॉडपैक को डाउनलोड करते हो या फिर कुछ साइट से आप वेब मोड को डाउनलोड करते हो वो जो मॉडपैक है उसमें फाइल करप्टेड हो, आपको हो सकता है कुछ फाइल नहीं दी गई हो, और अगर कुछ फाइल अलग से दी जाती है आप उसको पेस्ट करना भूल जाते हो, तो ये बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है। छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपका गेम पूरा क्रैश कर जाता है और आप जो है पूरा दुखी हो जाते हो कि यार इतना ज़्यादा GB वेस्ट करने के बाद में मैंने एक मॉडपैक डाउनलोड किया है और उसके बाद में भी मॉडपैक रन नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपको जो है अवेयर रहना है जब आप मॉडपैक डाउनलोड कर रहे हो और उसका गेम प्ले अच्छे से देख लेना है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छे से देख लेना है कि क्या प्रोसेस हो सकता है मॉडपैक को डाउनलोड करने का। ऑल्दो जब मैं मॉडपैक अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे उसका सिंपल इंस्टॉलेशन रखता हूँ, आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। रीनेम वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ही कम मॉडपैक्स के अंदर होती है, तो वो उसके लिए आपको वीडियोस को पूरा देखना होता है ऑब्वियसली बात है, ताकि आपका गेम क्रैश ना करे। एंड अब मैं यही कहना चाहूँगा एट दी एंड कंक्लूजन पे मैं ये आया हूँ कि काफ़ी सारी वीडियोस को बनाने के बाद में और काफ़ी सारे कमेंट्स को रेट करने के बाद में मेरे को यही लगता है कि ये जो इतने सॉल्यूशन मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में ये सबसे ज़्यादा इनफ है। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट इन वीडियोस में कवर कर रखी है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को अगेन जाकर के देखिए और अच्छे से देखिए। और हो सकता है कि अगर आप वीडियोस को अच्छे से भी देख रहे हो लेकिन आप अप्लाई अच्छे से नहीं कर रहे हो सकता है कि मैंने रीनेम वाली प्रॉब्लम आपको बताई है कि आप रीनेम करो और रीनेम की वजह से हो सकता है कि आपका गेम क्रैश हो जाता है जब आप गलत रीनेम कर देते हो अकॉर्डिंग टू योर GPU।
तो हो सकता है कि आप अपने जीपीयू को चेक करिए, और जीपीयू को चेक करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना नेम रखिए, और उस नेम के अकॉर्डिंग आप अपने गेम को ओपन करिए। आपका गेम कभी क्रैश नहीं करने वाला है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अब प्रैक्टिकली नहीं बताने वाला हूँ जेड आर्ट चेवर के अंदर जाकर के। तो अगर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को जाकर के देखिए जो कि क्रैश से रिलेटेड है। काफ़ी लोगों का जो क्रैश है उन वीडियोज़ को देख कर ही फिक्स हो जा रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ गाइस उन वीडियोस में जाइए। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन पे भी आपको शो हो रही होगी। और इतना ही नहीं, यही इन वीडियोस को देखने के बाद में आपका गेम जो है क्रैश करना बंद कर जाएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ये चीज़ें करने के बाद भी आपका गेम क्रैश कर रहा है तो यार देखो, अपना दिमाग ख़राब मत करो, आप बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ। एज अ यूज़र मैं अगर आपको रिकमेंडेशन दूँ तो मैं यही दूंगा कि आप जो है अपने जो मेन फाइल होती है com.rockstargames.gta ऐसे वाली, उस फाइल को डिलीट कर दो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी फाइल्स हो जो आपका गेम क्रैश कर रही है, जो कि मोडर के जो जिसने मोड क्रिएट किया है उसके अंदर ही वो फाइल है। और हो सकता है कि आपको पता ना हो कि वो फाइल कौन सी ऐसी फाइल है जो मिस है या फिर करप्टेड है, जिसकी वजह से आपका गेम क्रैश कर रहा है। तो आप इमिडिएटली उस वाले मोड पैक को डिलीट कर दो, क्योंकि हो सकता है वो पूरा मोड पैक के अंदर ही कुछ ऐसी इशू हो जो आप चाहकर भी रिजोल्व नहीं कर पा रहे हो। एंड वन मोर थिंग, एक मेजर जो मैंने प्रॉब्लम पिक करी है जो कि है एपीके इशू। अब क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों का एपीके का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है एंड्रॉयड 10 और वो यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 की एप्लीकेशन, और कुछ लोगों का अगर एंड्रॉयड 9 है तो वो एंड्रॉयड 10 का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो है अपना पहले एंड्रॉयड वर्जन को आइडेंटिफाइड करना है और उसके बाद में आपको अपनी एपीके को इंस्टॉल करना है। कुछ लोगों को बता दूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि एपीके कहाँ से डाउनलोड करें। मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग फाइल्स अपने जो एपीकेज हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई भी है, आप जाकर के देख सकते हो, और उसमें आपको वीडियो के अंदर आपको एपीके का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस एपीके को जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो, और उस एपीके को डाउनलोड करने के बाद में आप ट्राई कर सकते हो कि आपका गेम क्रैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में क्या होता है, आपका एपीके आपका गेम क्रैश कर रहा होता है और आपको पता नहीं होता है। आप सोचते हो कि मैंने जो मोड पैक डाउनलोड किया है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप अपनी एक फिक्स्ड एपीके बना लीजिए कि मुझे इस वाली एपीके पे ही अपने मोड्स को रन करना है, और अगर उस एप्लीकेशन में आपको इश्यू आता है तो जब आप मोड डाउनलोड करते हो, समटाइम्स मैं अपने मोड पैक के अंदर एपीके ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ, तो वो वाले एपीके ट्राई करिए। हो सकता है उस एपीके से आपका जो गेम है वो क्रैश ना करे। तो हो सकता है ये सब चीज़ें हो सकती है जिनकी वजह से आपका गेम क्रैश कर रहा है। बट गाइस, आपको थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने मोड पैक के अंदर फाइल्स के अंदर जाकर के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबके फ़ोन में आकर के चेक नहीं कर सकता कि क्या इशू है। बट हाँ, अगर आपको मेजर इशू होता है, काइंडली कम इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज भेजिए, और आपका जो पर्टिकुलर जो भी इशू आ रहा है, आपका गेम क्रैश कर जा रहा है अचानक से गेम खेलते खेलते ही, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए कि क्या इशू आ रहा है मेजर। तो अगर जहाँ तक मुझे सॉल्यूशन पता होता है उसका, मैं आपको जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये इशू हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस, इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे फॉलो करना मत भूलना, और फॉलो करने के साथ ही मुझे वहाँ पे DM भी कर देना आपका स्क्रीनशॉट भेज करके कि ये मुझे पर्टिकुलर इशू आ रहा है, एंड उसके साथ में हम जो है आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे फॉलो करना मत भूलना, और फॉलो करने के साथ ही मुझे वहाँ पे DM भी कर देना आपका स्क्रीनशॉट भेज करके कि ये मुझे पर्टिकुलर इशू आ रहा है, एंड उसके साथ में हम जो है आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट गाइज, मैं आज की वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो इन वीडियोस को मैं कंटिन्यू करूँ आगे जाकर के, तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँगा जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ में बनाने का सोच रहा हूँ।
तो वो टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन वीडियोस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है इस टाइप की वीडियोस, GTA और सैन एंड्रियास की वीडियोस। तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि चैनल पर वीडियोज आने वाली आगे और, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।